हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग एमएसयू ब्लॉग। तो गाइस, हम लोग आज आए हैं एके गोट फीड्स एंड नेग्रो पे। ये जो है एक पीएनएस का एक और ब्रांच है जो है साकिना का मुंबई में, ठीक है। और हम लोग आज इधर पे आए हैं इनकी इस ब्रांच की शूट करने के लिए। जो भी अभी हम लोग यहाँ पे अंदर जाएंगे और हमारे साथ रहेंगे आकिब भाई। पूरे दो तीन वीडियोस हम लोग जो शूट करेंगे, पूरी सीरीज शूट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आकिब भाई से बात करेंगे, इनके पास जो भी फीड्स वगैरह है वो क्या रेट पर है, क्या ये रेट कोट कर रहे हैं। और ये सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि मुंबई के अंदर है, साकिना का जो है प्रॉपर मुंबई सिटी में है, ठीक है। और बहुत ही नज़दीक है, चारों तरफ से हर एक जगह से इंसान यहाँ पे इजीली आ सकता है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करेंगे आकिब भाई से और जानेंगे इनके पास क्या क्या अवेलेबल है फीड्स में, गोट फीड्स में, ठीक है। सो गाइस, हमारे साथ है आकिब भाई, पीएनएस ब्रांच के साकिना का पीएनएस ब्रांच जो एके गोट फीड के नाम से है, उसके ओनर है ये साकिब भाई हमारे साथ जो है, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करेंगे साकिब भाई से और जानेंगे इनके पास अभी इस बार क्या क्या है फीड में। लास्ट टाइम तो हम लोग ने वीडियो बनाया था और इस बार फिर से हम लोग आए यहाँ पे फीड का ही वीडियो शूट करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम आकिब भाई। वालेकुम सलाम भाई। कैसे आकिब भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। कैसा रहा अपना पिछला सीजन? फर्स्ट ईयर था आपका, बहुत अच्छा था। जो एक्सपेक्ट किए थे उतना एक्सपेक्टेशन बराबर, मतलब पूरा हो गया, पूरा फुलफिल हो गई। अच्छा, अपना फर्स्ट ईयर था ना वो? जी, मतलब जब अपन ने जब हमने वीडियो बनाया था उस टाइम पे मुझे चालू करके आई थिंक सो तीन या चार महीना हुआ, तीन चार महीने ही हुआ था। फिर उसके बाद आपको मैंने कांटेक्ट करके आपसे बनाया पूरे वीडियो, सही। फिर उसके बाद में बकरा ईद आ गई, उस दौरान में वीडियो बनाना ही रह गया, ऐसा हो गया, सही है। तो अभी मैं बोला कि चलो फिर से स्टार्ट करते हैं, वीडियोस में वापस आना चालू करते हैं, बहुत टाइम हो गया, सही है। जो वीडियो में हम लोग, मैंने वीडियो भी नहीं डाला बहुत टाइम से, ठीक है। तो आखिर भाई, हम लोग क्या दिखाने वाले हैं वीडियो आज? हमारे पास में जो है ग्रेन्स है, फीड है, ओके। फीड में है हमारे पास में सोयाबीन है, ये है सोयाबीन जी, ओके। बाजरी है, बाजरी है, ज्वारी है, ओके। ये हमारा मेन स्टार्टर मोनोपोली भी बोल सकते हो, वेट गेनिंग प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, क्योंकि रिजल्ट भी दे रहा है माशाल्लाह। बहुत से लोग कस्टमर जो है सेटिस्फाइड है, कस्टमर फीडबैक भी बहुत अच्छा आया है हमारे पास, ओके। इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हो सब ग्रेन्स मिक्स्ड है, देख सकते हो हरी पत्ती है, जव है, मकई टुकड़ा है, ज्वारी है, बाजरी है, घोड़ा जीरा भी इसी के अंदर मिक्स है। घोड़ा जीरा आपको इसमें नीचे दिखेगा क्योंकि नीचे बढ़िया बारीक होता है, देखिए नीचे दिखेगा, नीचे पूरा बैठा हुआ, हाँ, इसके अंदर है जी। तो और फिर उसके बाद सोयाबीन है इसमें, चना है इसमें, और ऐसा नहीं कि वेस्ट प्रोडक्ट है, ओके। मतलब हर चीज जो है अच्छी चीज है, कोई डंग लगा हुआ हमने उसमें नहीं डाला हुआ है, सही है, जो कि उसमें ना कीड़े पड़े हुए वो ऐसा है। गेहूं भी है इसी के अंदर, गेहूं भी अच्छी क्वालिटी का गेहूं है, ये देख सकते हो गेहूं। तो ये सब चीजें हरी पत्ती है उसके अंदर में, और पाउडर जो है जो ये आप देखते हो गए, पाउडर जो है, पाउडर भी जो है कैल्शियम पाउडर है, मिनरल मिक्सर के पाउडर है, ओके। तो हर चीज इसी के अंदर, सब चीजें इक्वली है जी, इसमें कोई चीज कम और कोई चीज ज्यादा नहीं है। आपको कभी चना ज्यादा आ जाएगा, कम आ जाएगा, और ना ही इसके अंदर हरी पत्ती ऐसा नहीं कभी ज्यादा हो जाएगी, कम हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है। तो इसके बाद देख रहा हूँ मैं जी, ये मूंगफली भूसा है रखी हुई, ये मूंगफली भूसा है, मूंगफली भूसे में, हाँ देखो कभी कभार इसके अंदर ना गोनी के अंदर मूंगफली भी बहुत आ जाती है। अभी मैंने ये एक बंच निकाला है आपके सामने, तो इसके अंदर देखो मूंगफली इतनी तो है, और ये है ना जीरो वेस्ट होता है, मतलब बकरे पूरे खाते, ये डंडी वगैरह भी खा लेते, पूरा खा लेते। इसके अंदर तेल है, मतलब ऑयल की कंटेंट ज्यादा रहता है इसके अंदर, अच्छा, हाँ, तो इसके लिए खा लेते बकरे, ओके। और ये अच्छी चीज भी है। फिर उसके बाद आप देखोगे तो हमारे पास ये न्यू प्रोडक्ट है, बोर पत्ती, ये मैं बेर की पत्ती होती है ना, देख रहा हूँ, बेर की पत्ती है, हाँ, सूखी ड्राई, सुखा दी है जी, अच्छा। देखो इसके अंदर कांटे भी होते हैं, लेकिन ये बकरे और बकरियां ज्यादा शौक से खाते हैं आज की तारीख में, बट ये कैसा सीजनल है, अच्छा, ज्यादा टाइम नहीं चलता है, सीजन इसका सीजन है अभी, तो चल रहा है, फिर उसके बाद में ये बंद हो जाता है, ओके। और ये उसके बाद ये मेथी दाना है, ओके। ये अभी सिर्फ ठंड में जो बकरों को खिलाया, मोस्टली कैसा होता है कि ज्यादातर ये जो है ठंडी में खिलाया जाता है, भी लकवा वगैरह की बीमारी ज्यादा चालू हो जाती है ठंड के मौसम, और सबसे ज्यादा हैवी वेट बकरे जो होते हैं उन पे तकलीफ ज्यादा होती है, सही है। तो उसके लिए भी ये अच्छी चीज है, मेथी दाना है, मेथी दाना,
मार्केट के हिसाब से रेट में कम भी है अपने पास में माशाल्लाह। ओके, तो रेट के लिए जो भी है मैं कॉन्टेक्ट करो तो मैं उस पर रेट बता दूंगा। सही है मेन। फिर उसके बाद ये मकई टुकड़ा, मकई टुकड़ा भी देख रहे हो आप कितना अच्छा क्वालिटी में है। ये कितने टुकड़े हैं एक दाने के? ये मेरे हिसाब से जो है फोर है ना, चार है, एक दाने छह भी आते हैं, आठ भी आते हैं, आठ भी आते हैं, लेकिन आठ जो है ज्यादातर मुर्गियों के लिए जाता है। अच्छा, मोस्टली क्योंकि बहुत बारीक हो जाता है, बहुत बारीक हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास चना भी देख लो आप, अच्छी क्वालिटी में चना है, अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छी क्वालिटी में और मार्केट रेट से सस्ता ही है ऐसा है। हाँ बिल्कुल। फिर उसके बाद ये गवार भूसा, इससे प्याज ज्यादा लगती है, पानी ज्यादा खींच लेते हैं इससे। ओके, इसको अगर हम लोग ये ठंड के मौसम में, अभी जो ठंडे का मौसम है, इसमें अगर हम लोग पिलाए और खिलाए तो ये बहुत अच्छी, ज्यादा बेटर रहेगा कि इसको गर्मी में खिलाना। गर्मी में तो बेस्ट है, लेकिन गर्मी में ज्यादा खाते भी नहीं होते क्योंकि ये क्या गर्म चीज भी पड़ जाती है और बोलते हैं ना बॉडी में हीट भी ज्यादा हो जाती है। लेकिन कैसा है, पानी ज्यादा खींचता है इसके लिए बकरे को ये खिलाते हैं। अच्छा, मतलब हाँ। अगर कोई बकरा पानी पीने में थोड़ा सा नाटक कर रहा है उसको हम लोग पिलाए, इसमें कैसा जैसी खाता है ना तो उसके बाद गला सूख जाता है, प्यास लगती है बहुत, तो बकरा ऑटोमेटिक पानी खींचने में चला जाता है ऐसा है। फिर उसके बाद हमारा वन एंड ओनली फेवरेट हरी पत्ती, ये भी सब पूरी मार्केट का फेवरेट हुआ है जी, ये फिल्टर हरी पत्ती है, जैसी दिख रही है वैसी ही मिलेगी। अच्छा, कोई इसमें ऐसा मतलब हम लोग ने ऐसा सजा के रखा हुआ नहीं है, नहीं ये आपके सामने देखे होंगे, मैं डायरेक्ट बंच निकाल के रखा है और ये सब इन लोग ने यहाँ पे निकाल के रखा है, ऐसे कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं है, ये जैसी है वैसी है। मेरे पास ऐसी इसमें सेमी फिल्टर भी अवेलेबल है, एज इट इज ऐसी रहने वाली, एज इट इज हरी रहेगी बट उसमें कांटा और मिट्टी आया, सेमी फिल्टर रही है, सेमी फिल्टर है, ठीक है। और वो मैं बता देता हूँ, और उसमें जौ भी है हमारे पास। ओके, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी दिखाया नहीं हूँ, तो जौ जो है बहुत हाई रेट है आज की तारीख। अच्छा, क्यों ऐसा पता नहीं, जौ क्या है, जौ का मार्केट जो है ऊपर हो गया बहुत। अच्छा, मोस्टली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में बहुत जा रहा है जौ, तो उसकी वजह से यहाँ पे रेट ऊपर हो गया जौ का। जौ आज की तारीख में 33-35 रुपीज में बेच रहे लोग यहाँ पर। हाँ, मैं मेरे हिसाब से मैं 35 में बेच रहा था। अच्छा, और फिर बीच में थोड़ा बहुत कम भी हो जाता है, रिटेल प्राइस बता रहा हूँ मैं, होलसेल प्राइस तो मतलब जैसा क्वांटिटी कोई लेता है तो उसका प्राइस में अलग है। सही, ये तो वैसे हम लोग देख रहे हैं, ये सब क्या है? ये सब हमारे कुछ पाउडर्स है, जैसे कि ये मिनरल मिक्सचर है, डाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है ये वाला। फिर ये आज तक किसी ने पाउडर लाया नहीं लीवर टॉनिक का, तो ये हमने लेके आया, ये लीवर टॉनिक पाउडर है। ओके, मतलब कोई अगर आप पिलाने में प्रॉब्लम होती है, किसी के पास टाइम नहीं होता, तो दाने में भी डाल सकते हो। अच्छा, पाउडर फॉर्म में, फ्लेवर में, चॉकलेट फ्लेवर पाउडर फॉर्म में, मेरी एक वीडियो भी है ऑलरेडी, ऐसा बकरा डायरेक्टली खाता है। अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, डायरेक्ट उठा, डायरेक्ट भी खाता है। अच्छा, चॉकलेट फ्लेवर है तो खुशबू से ही खा लेता है ऐसा। फिर इसके बाद ये कैल्शियम पाउडर है, ये कैल्शियम टॉनिक पाउडर है। अच्छा, और फिर उसके बाद जो आता है ये मिल्क पाउडर। अच्छा, ये अभी जो सबसे ज्यादा चल रहा है मिल्क पाउडर यही है। अच्छा, क्योंकि बच्चों की तादाद अभी ज्यादा निकलती है ये टाइम पे, तो ये टाइम पे मिल्क पाउडर ज्यादा चलता है। क्या होता है कि बकरी के पास उतना दूध नहीं होता, या तो बकरी मर जाती है। हाँ, तो उसके बाद जो बोलते हैं ना 3 दिन का बच्चा, उसको भी पिला सकते हैं, पिला सकते हैं। अच्छा, ऐसा न्यू बॉर्न बेबी को भी पिला सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इसका कंटेंट ऐसा है कि इसके कंटेंट देख लो आप, वे प्रोटीन पाउडर भी है इसमें, सोया फ्लोर भी है इसमें। Okay. क्या होता है, बच्चा पैदा होने के बाद में दूध दे दो और इसमें वेट गेन भी होना चालू हो जाता है आपका। Okay. जैसे माँ के दूध में होता है वैसे इसमें भी है। Okay. और ये कैसा, 1 किलो के पैकेट में 10 लीटर दूध बन जाता है। अच्छा, ये वाले पैकेट, ये 1 किलो का पैकेट है, इसके अंदर आप लोग 10 लीटर दूध बन जाता है, 100 ग्राम में 1 लीटर बनता है ऐसा। और ये सब चीज में 1, 2, 3 ये चीज 5 केजी में भी अवेलेबल है, ये 1 केजी का सैंपल है, 5 केजी में भी अवेलेबल है। ओके, अभी इसकी प्राइसिंग में बताऊं तो ये आपका जो है 350 रुपीज में विद कुरियर ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। ओके, मैं हर चीज के लिए बता रहा हूँ। हाँ, हर चीज के लिए मैं ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग इन प्रोडक्ट्स की भी बात कर रहे हैं। मेरे पास जितने प्रोडक्ट्स है उन सब की बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी अवेलेबल है। ओके, आप हमें कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, अभी आपके वीडियो में कमेंट भी आ जाएगा कि भाई कॉल नहीं उठाते। हाँ, ये बहुत तो मैं बहुत बता देता हूँ कि क्या होता है कि हम बहुत बिजी भी हो जाते हैं कभी कभार, और इतने बिजी हो जाते हैं कि कॉल पे कॉल आते हैं तो कॉल पीछे रह जाते हैं। तो इसमें क्या करना है कि आप मेरे को व्हाट्सएप करो, मैं व्हाट्सएप का रिप्लाई बराबर दे देता हूँ। बेटर, सही है। तो आप कॉल नहीं भी उठाया तो भी व्हाट्सएप कीजिए। सही है। और कॉल अभी अब तो ऐसा हो गया, कॉल मुझे आता है, मिस कॉल जो भी रहता है मैं कॉल चले जाता है,
वेरी गुड, रात में भी तो रात में चला जाता है। क्योंकि मुझे बहुत कमेंट आए और एक जगह तो मैंने गलती कर दिया, मैंने शूट रिलेटेड के लिए नंबर डाला था कि किसी को अगर शूट करवाना है तो मुझे कॉल करे। मुझसे हरी पत्ती का रेट पूछ रहे थे लोग, यार वो साकी नगर की ब्रांच में हरी पत्ती का रेट, हरी पत्ती का भी रेट बता देता हूँ। देखो ये वैसे तो ये सीजनल है, ओके, इसमें ऊपर भी होगा या तो नीचे भी होगा आगे चल के, तो मैं एक रेट बता देता हूँ। ये रिटेल प्राइस है 27 रुपया, 27 रुपीज पर केजी, ओके। लेकिन क्वांटिटी का प्राइस अलग है, गुनी का प्राइस अलग है। आप कॉल करो, मेरा नंबर है 9892021836, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करो। कॉल नहीं भी उठाए तो व्हाट्सएप करो, सही, तो मैं ऑटोमेटिकली आपको उस पे अपडेट दे दूंगा। कमेंट में कंप्लेंट मत करो। जी जी बिल्कुल। तो वैसे तो ये फिल्टर पूरी है, फिल्टर हरी पत्ती है, इसमें कोई प्रॉब्लम, जैसा दिख रहा वैसी ही मिलेगा। सही है, डंडी है, ऐसी बारीक बारीक डंडी है, आप बोलोगे कि एकदम पत्ती पत्ती तो वैसा कोई वैसा भी माल नहीं आएगा जैसा दिख रहा है। और अभी तो पता है आपको ये माल का बहुत शॉर्टेज चल रहा है, बहुत ज्यादा मार्केट में बहुत शॉर्टेज है, इस माल का नहीं मिल रहा जी। अभी मैं इसका प्राइसिंग बता दिया आपको, 350 रुपीज विद कुरियर ऑल ओवर इंडिया। सही है, ये 300 रुपीज का है विद कुरियर, ओके। ये भी 300 का है विद कुरियर, ओके। और मिनरल मिक्सचर भी 300 का है विद कुरियर ऑल ओवर इंडिया। 1 किलो का बैग क्यों ना हो या फिर कितना भी बड़ा ऑर्डर, विद कुरियर आप रेट बता, मैं रेट बता दूंगा आपको। फोन कीजिए, मैसेज कीजिए, इन सब चीजों का भी आपको रेट सब चीज बता दिया जाएगा। विद कुरियर क्या रेट ये कोट कर रहे हैं वो आप कॉल पे बता। अभी मैं पर्टिकुलर इसका रेट बता दूं और फिर जब आपको ऑर्डर देना है तो कोरियर के साथ अलग हो जाएगा। तो मैं स्टार्टर का रेट बिल्कुल बता दूंगा। इसकी हमारे पास में 25 किलो की बैग है, 25 केजी की बैग है, 25 किलो का बैग है जी, स्टार्टर का बैग है 25 केजी का, जो है 1100 रुपीज, 1100 रुपए का, 100 रुपीज, 1100 रुपए का। इस पे हम अभी क्या ऑफर है, कैल्शियम ब्लॉक ऑफर में है, ये 1 किलो का कैल्शियम ब्लॉक जो है साथ में फ्री दे रहे हैं हम, इसका इस ब्लॉक जो है इसके साथ फ्री है जी, ये 1 किलो का। और मैं चना क्या रेट में, चना अगर देखने जाओगे तो सर अभी तो 65 रुपीज़ है, 65 रुपीज़ के जी। क्वांटिटी रेट डिफरेंट होगा इंशाल्लाह, होलसेल रेट जो होगा वो अलग रहने वाला है। ये भी मैं बता रहा हूँ, ये भी मैं बता रहा हूँ सीजनल है, ये भी कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है, ये सब चीजें सबको पता है, सब कोई भी सीजनल, कोई भी ये नहीं बोल सकता है कि कल ये रेट दिया था आज ये रेट दे रहे हो, ये सब रेट चीजों का। वीडियो भी देख रहे हैं कोई, वीडियो का डेट भी देखो, टाइम भी देखो, कब आ रहा है वीडियो, क्योंकि आपकी मेरे हिसाब से 8 महीने पहले की वीडियो देख के भाई एक भाई का कॉल आया था, सर 23 रुपीज आपने जो बताया, सर वो वीडियो कभी की आप देखो तो सही। अच्छा, तो वो हिसाब से है, बाकी तो सीजनल रेट है, सीजनली बता रहा हूँ मैं। आज मैं आपको ये प्राइस बता रहा हूँ, ये वीडियो कब जाएगी पता नहीं, बट उस टाइम पे क्या रेट होगा मैं आपको बता दूंगा। सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो ये आपको मैं बता दिया हूँ, 25 केजी का बैग 1100 का है यहाँ से, ओके। अब कोई भाई बोलेगा कि वहाँ पे 1000 रुपीज का है वैसा, तो डीलरशिप है, तो डीलरशिप में मुझे एक प्राइस आगे रखना है, तो वो प्राइस मैंने आगे रख के बताया है, क्योंकि आपको भी वहाँ से खरीदना पड़ रहा है, भी खरीदना है, आपको भी ट्रांसपोर्ट और मैं कन्वीनियंट है कि हम साकीना का में, सकीना का तो सेंटर ही है सेंटर हो गया। और मुंबई के कोई भी लोग आता है, कोई भी लेते हैं, सामने वाले कुर्ला से, कुर्ला वालों को बहुत कन्वीनियंट हो जाता है, बहुत ज्यादा। मैं डिलीवरी भी करवाता हूँ, तो डिलीवरी का जो भी चार्जेस रहता है मैं वो बता देता हूँ और वो हिसाब से भेजता हूँ। बहुत से लोग मेरे कस्टमर है, वो भी देखेंगे इंशाल्लाह ये वीडियो, तो उन लोग भी कमेंट करेंगे, इनको भी पता है कि कैसे चलती है यहाँ पे एक एक गुड फीड में चीज़ें। सही, और इंशाल्लाह कोई भी ऑर्डर रहेगा तो मुझे कांटेक्ट कीजिए, 9892021836 ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, और उस पर कॉल या व्हाट्सएप दोनों भी कर सकते हो। अगर कॉल नहीं रिसीव किए तो आप जी, और यहाँ का एड्रेस अगर विजिट शॉप पे विजिट करना है तो खैरानी रोड लक्की होटल के जस्ट बाजू में ही है, आप लक्की होटल पे आके मुझे कॉल कीजिए, मैं आपको नेविगेट कर दूंगा रास्ता। साकी नाका में है और मैं गूगल पे भी रजिस्टर्ड है एड्रेस, चलेगा जी। तो ये वीडियो को अपन क्लोज करते हैं आकिब भाई, माशाल्लाह काफी अच्छी वीडियो बनी और बड़ी वीडियो बन गई जी, जी, जी। हाँ, तो हम लोग नंबर में स्क्रीन के वैसे स्क्रीन पे आपका दे दूंगा, और इस बार मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा क्योंकि फीड वाले ज्यादातर डिस्क्रिप्शन चेक करते हैं भाई। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।